नमस्कार, मैं हूं निखिल वर्मा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। क्या महात्मा गांधी वाकई देश के बापू हैं? आप भी सोच रहे होंगे हम ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न के पीछे सोशल मीडिया में वायरल हुआ एक ऐसा मैसेज है जिसने हमें विवश किया ये प्रश्न पूछने पर। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में कर्म किया या कुकर्म किया, ये सब साफ हो जाता है इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इस खबर को देखने के साथ साथ शेयर करना बेहद जरूरी है। हम महात्मा गांधी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रही खबर को आपसे रूबरू करवाना हमारा फर्ज है। मैसेज में लिखा है, पाखंडी महात्मा गांधी की चालाकी, गांधी जी महान। महानता नंबर एक, शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दिए जाने पर अहिंसा के महान पुजारी गांधी ने कहा था, हमें ब्रिटेन के विनाश के बदले अपनी आजादी नहीं चाहिए। और आगे कहा, भगत सिंह की पूजा से देश को बहुत हानि हुई और हो रही है, वहीं इसका फांसी परिणाम गुंडागर्दी का पतन है। फांसी शीघ्र दे दी जाए ताकि 30 मार्च से कराची में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में कोई बाधा ना आए। अर्थात गांधी की परिभाषा में किसी को फांसी देना हिंसा नहीं थी। महानता नंबर दो, इसी प्रकार एक और महान क्रांतिकारी जतिन दास को जब आगरा में अंग्रेजों ने शहीद किया तो गांधी आगरा में ही थे, और जब गांधी को उनके पार्थिव शरीर पर माला चढ़ाने को कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अर्थात उस नौजवान द्वारा खुद को देश के लिए कुर्बान किए जाने पर भी महात्मा गांधी के दिल में किसी प्रकार की दया और सहानुभूति नहीं उपजी। ऐसे थे हमारे अहिंसावादी गांधी। महानता नंबर तीन, जब सन 1937 में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नेताजी सुभाष और गांधी द्वारा मनोनीत सीता रमैया के मध्य मुकाबला हुआ तो गांधी ने कहा, यदि रमैया चुनाव हार गया तो वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने अपने मरने तक राजनीति नहीं छोड़ी जबकि रमैया चुनाव हार गए थे। महानता नंबर चार, इसी प्रकार गांधी ने कहा था, पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा, लेकिन पाकिस्तान उनके समर्थन से ही बना। ऐसे थे हमारे सत्यवादी गांधी। महानता नंबर पाँच, इससे भी बढ़कर गांधी और कांग्रेस ने दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया तो फिर क्या लड़ाई में हिंसा थी या लड्डू बट रहे थे, दर्शक स्वयं बताएं। महानता नंबर छह, गांधी ने अपने जीवन में तीन आंदोलन चलाए और तीनों को ही बीच में वापस ले लिया, फिर भी लोग कहते हैं कि आजादी गांधी ने दिलवाई। महानता नंबर सात, इससे भी बढ़कर जब देश के महान सपूत उधम सिंह ने इंग्लैंड में माइकल डायर को मारा तो गांधी ने उन्हें पागल कहा, इसलिए नीरज चौधरी ने गांधी को दुनिया का सबसे बड़ा सफल पाखंडी लिखा है। महानता नंबर आठ, इस आजादी के बारे में इतिहासकार CR मजूमदार लिखते हैं, भारत की आजादी का सहरा गांधी के सिर बांधना सच्चाई के साथ मजाक होगा। ये कहना कि सत्याग्रह व चरखे ने आजादी दिलाई बहुत बड़ी मूर्खता होगी, इसलिए गांधी को आजादी का हीरो कहना उन क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया। यदि चरखे से आजादी की रक्षा संभव होती तो बॉर्डर पर टैंकों की जगह चरखे क्यों नहीं रखवा दिए जाते? अगर आप सहमत हैं तो इसकी सच्चाई शेयर कर देश के सामने उजागर जरूर करें। जय हिंद। शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, इसके कारण हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद काफी परेशान और चिंतित हो गए। भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए आजाद ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने का फैसला लिया। इसके लिए आजाद ने गांधी से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन गांधी ने कहा कि वो किसी भी उग्रवादी से नहीं मिल सकते। गांधी जानते थे कि अगर भगत सिंह और आजाद जैसे क्रांतिकारी और ज्यादा दिन जीवित रह गए तो वो युवाओं के हीरो बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में गांधी को पूछने वाला कोई ना रहता। हमने आपको कई बार बताया है कि किस तरह गांधी ने भगत सिंह को मरवाने के लिए एक दिन पहले फांसी दिलवाई। खैर, हम फिर से आजाद की व्याख्या पर आते हैं। गांधी से वक्त ना मिल पाने के बाद आजाद ने नेहरू से मिलने का फैसला किया। 27 फरवरी 1931 के दिन आजाद ने नेहरू से मुलाकात की। ठीक इसी दिन आजाद ने नेहरू के सामने भगत सिंह की फांसी को रोकने की विनती की। बैठक में आजाद ने पूरी तैयारी के साथ भगत सिंह को बचाने का सफल प्लान रख दिया, जिसे देखकर नेहरू हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इस प्लान के तहत भगत सिंह को आसानी से बचाया जा सकता था। नेहरू ने आजाद को मदद देने से साफ मना कर दिया। इस पर आजाद नाराज हो गए और नेहरू से जोरदार बहस हो गई। फिर आजाद नाराज होकर अपनी साइकिल पर सवार होकर अल्फ्रेड पार्क की ओर निकल गए। आखिरी सांस और आखिरी गोली तक वो जाबाज अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा। आजाद की पिस्तौल में जब तक गोलियां बाकी थी तब तक कोई अंग्रेज उनके करीब नहीं आ सका। आखिरकार
आजाद जीवन भर आजाद ही रहा और उसने आजादी में ही वीर गति को प्राप्त किया। अब अक्ल का अंधा भी समझ सकता है कि नेहरू के घर से बहस करके निकलकर पार्क में 15 मिनट अंदर भारी पुलिस बल आजाद को पकड़ने के लिए बिना नेहरू की गद्दारी के नहीं पहुंच सकता था। नेहरू ने पुलिस को खबर दी कि आजाद इस वक्त पार्क में है और कुछ देर वहीं रुकने वाला है। साथ ही कहा कि आजाद को जिंदा पकड़ने की भूल बिल्कुल ना करें, नहीं तो भगत सिंह की तरफ मामला बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार ने नेहरू को किताबों में बच्चों का क्रांतिकारी चाचा नेहरू बना दिया और आज भी किताबों में आजाद को उग्रवादी लिखा जाता है। लेकिन आज सच को सामने लाकर उस जाबाज को आखिरी सलाम देना चाहते हो तो इस पोस्ट को शेयर करें, शेयर करके सच्चाई को सभी के सामने लाने की मदद करें। आज के दिन यही शेयर करना उस निडर जाबाज और भारत माता के शेर के लिए सच्ची श्रद्धा होगी। तो देखा आपने, अब तो आपको सच्चाई पता चल ही गई होगी। इस खबर को इतना शेयर करें कि ये खबर सबके फोन में हो। वीडियो एडिटर पुष्पा चौधरी के साथ निखिल वर्मा, ओनली न्यूज 24x17 दिल्ली। तो ये है वो सच्चाई जो हम नहीं बल्कि देश बोल रहा है। अब ये आपके हाथ में है कि इसे वीडियो को शेयर करके देश के क्रांतिकारियों की शहादत का बदला लेना है या फिर चुप्पी साधे बैठे रहना है। तो देशभक्त अभी इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहें ओनली न्यूज 24x7 सच की तह तक।